सारा अली खान एक्ट्रेस हैं, केदारनाथ और सिम्बा जैसी फिल्मों में काम किया है। अभी हाल ही में हॉटस्टार पर उनकी फिल्म अतरंगी रे रिलीज हुई थी, लेकिन वे इन सब फिल्मों और अपनी परफॉर्मेंसेस के लिए चर्चा में नहीं रहती। चर्चा में रहती हैं अलग कारणों से, जैसे कि अगर वो किसी मंदिर में चली जाती हैं तो चरमपंथी बोरा जाते हैं, उन्हें ट्रोल करने लगते हैं। बीती 3 फरवरी को सारा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया और वीडियो पोस्ट करने के बाद लोग उन्हें ट्रोल नहीं कर रहे, उन्हें बता रहे हैं कि उनकी ये हरकत कितने स्तरों पर गलत है। बीती 3 फरवरी को सारा अली खान ने अपने इंस्टाग्राम पर फैन इंटरेक्शन किया, आस्क मी एनीथिंग वाला, वही जिसमें लोग उल जुलूल या कभी कभी काम के भी सवाल पूछ लेते हैं। अच्छी बात यह है कि सवाल कोई भी पूछे, कितने भी सवाल पूछे, लेकिन जवाब देने की सहूलियत आपकी ही होती है। लोगों ने सारा से उनकी फेवरेट कविता, फेवरेट खाना, उनकी फेवरेट जगह सब पूछा। सारा ने जवाब भी दिए। एक यूजर ने उनसे पूछा कि उन्होंने सबसे गंदा प्रैंक किसके साथ किया है। इसके जवाब में सारा ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वे अपनी स्पॉट गर्ल चारू के साथ खड़ी हैं, स्विमिंग पूल के सामने फोटो खिंचा रही हैं और अचानक से चारू को स्विमिंग पूल में धक्का दे देती हैं। सारा ने जैसे ही वीडियो पोस्ट किया, विरल भयानी जैसे तमाम लोगों ने ये वीडियो अपने अपने सोशल मीडिया पर डाल दिया। लोगों के रिएक्शंस आने लगे। ज्यादातर लोगों ने सारा के व्यवहार को गलत माना और कहा कि उन्होंने चारू के साथ बदसलूकी की है। एक यूजर ने यह भी पूछा कि क्या करीना कपूर के साथ सारा ये प्रैंक करने की हिम्मत करेंगी। आगे लिखा, उन्होंने एक हेल्पर के साथ ऐसा किया, क्लास बायस। स्वतंत्र पत्रकार कोरा अब्राहम ने लिखा, ये पार डायनेमिक्स का ही खेल है कि अब्यूज शब्द की जगह प्रैंक का इस्तेमाल हो रहा है, नॉट कूल एट ऑल। दूसरी तरफ कुछ यूजर्स सारा को डिफेंड कर रहे हैं। जोकर नाम के एक यूजर ने लिखा, जो लोग सारा को जज कर रहे हैं वे सारा और चारू के बीच के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं जानते। जब तक स्पॉट गर्ल का कोई बयान नहीं आ जाता तब तक सारा को जज करने का कोई मतलब ही नहीं है। आपकी नजर में सारा का अपने एक कलीग के साथ ये बर्ताव कितना सही कितना गलत है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या आपको भी लगता है कि इसमें एक क्लास बायस है, तो वो भी हमें बताइएगा। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी सोम ने, शुक्रिया। सुनो सोनल, मुझे बताओ कि यूपी में गांव की लड़कियां नौकरी की तलाश में ज्यादा है या कोई स्किल सीख कर अपना काम शुरू करना चाहती है।